हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मोंगो डीबी में जब डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं उसमें जो की पर आप जो डेटा स्टोर करते हैं उनका जो डेटा टाइप है वो किस किस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रोबो मोंगो वाले सॉफ्टवेयर के अंदर जो कनेक्शन मैंने पहले से एस्टेब्लिश करके रखा है, कनेक्शन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, ओपन शेल करना है, उसके बाद आपको 3-4 बार एंटर दबा के इस तरीके से स्पेस क्रिएट कर लेना है। अब हम लोग सबसे पहले मोंगो डीबी के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यूज लिखना है, डेटाबेस का नाम लिखिए जो कि मैंने यहाँ पे ये रख दिया। उसके बाद जो है आप अपने कीबोर्ड पर CTRL और प्लस वाला बटन दबा के इस फॉन्ट साइज को बड़ा कर लीजिएगा। फिर हम लोग जो इस क्वेरी को या हम इस कमांड को जो एग्जीक्यूट करेंगे, ये करने के लिए आप चाहे तो ऊपर की तरफ जाकर ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड पर जो F5 वाला शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे, ये देखिए आपका जो क्वेरी है वो आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, डेटाबेस एक क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो है हम लोग इस डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डीबी लिखना है। ये जो डीबी है ये आपके इस वाले डेटाबेस को रिफरेंस कर रहा है या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट कर रहा है। फिर आपको डॉट लगाना है। उसके बाद जब आप अपने कलेक्शन का नाम लिखिए जो कि मैंने यहाँ पे रखा यूजर, फिर आपको डॉट लगाना है, इंसर्ट करके जो इनबिल्ट फंक्शन आपको उसे कॉल करना है और इस फंक्शन के पैरामीटर में जो है आपको एक जेसन टाइप का डेटा क्रिएट करना होगा या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और जेसन का मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से करली ब्रैकेट लगा दिया, करली ब्रैकेट के अंदर आना आपको एंटर दबाना है। अब हम लोग इसके अंदर कुछ की क्रिएट करेंगे और उस पर जो है डेटा स्टोर करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग की क्रिएट करेंगे उस पर जो हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है की बनाया इस तरीके से और जो भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है वो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरीके से लिखना होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर हम लोग एंटर दबाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग एक इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है वो हम लोग एक की पर स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे की क्रिएट किया जिसका नाम मैंने यहाँ पे नंबर रख दिया और उस पर जो मैंने इस तरीके से इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर मुझे यहाँ पे एंटर दबाना है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट जो की क्रिएट करेंगे उस पर हम लोग एक डेसिमल टाइप का जो है वैल्यू स्टोर करेंगे, यानी कि डॉट वाली वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं डबल टाइप का वैल्यू जो वो स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे की क्रिएट किया जिसका नाम मैंने यहाँ पे डबल रख दिया और इस पर जो एक डेसिमल टाइप का वैल्यू मैंने इस तरीके से लिख दिया, डॉट वाला वैल्यू। फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। दूसरा जो वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं की पर वो आपका एरे के फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैंने एक की क्रिएट किया जिसका नाम मैंने यहाँ पे कलर्स रख दिया। एरे क्रिएट करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर आपको कॉमा सेपरेट करके अपने उन वैल्यूज को लिख देना है जो कि आप इस वाले की पर स्टोर करना चाहते हैं। और इस एरे के अंदर भी जो आप वैल्यू लिखेंगे उनमें भी जो है आप इन्हीं सब डेटा टाइप का आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेड लिख दिया, उसके बाद जो है मैंने इस तरीके से ऑरेंज लिख दिया, फिर जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से येलो लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप हम लोग देखेंगे वो आपका डेट वाला होता है। अगर आप किसी की पर जो है एक डेट स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेट करके एक इनबिल्ट फंक्शन मौजूद है मोंगो डीबी के अंदर, आपको उसका यूज करना है। ये चीज लिखने से क्या होगा कि जब आप इस डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो उस समय जो भी डेट हो रहा होगा, जो भी टाइम होगा, वो आपका इस वाले की पर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप एक की पर चाहे तो एक और डॉक्यूमेंट को जो है स्टोर कर सकते हैं और इसको जो हम लोग एक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी कि आप जो है की पर जो एक जेसन टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एक की क्रिएट किया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया कोर्स। तो ये क्रिएट करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाइए, एंटर दबाइए, सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। की क्रिएट करी, उस पर एक वैल्यू स्टोर कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेम का की क्रिएट किया और इस पर जो है मैंने यहाँ पे दे दिया इस तरीके से एक वैल्यू दे दिया। उसके बाद फिर से मैंने एक की क्रिएट किया, फिर मैंने इस पर जो है वैल्यू दे दिया, फिर से मैंने एक की क्रिएट किया जिस पर मैंने कुछ इस तरीके से जो है वैल्यू दे दिया, ये मैंने इस तरीके से वैल्यू लिख दिया। उसके बाद जो है अगर आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट में की क्रिएट कर सकते हैं जिस पर आप बूलियन टाइप का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हैं। और बूलियन टाइप के डेटा में आपके पास जो है केवल दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जो वैल्यू है वो ट्रू होगा या तो वह फॉल्स होगा। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, एंटर दबाया, फिर से हम लोग जो की क्रिएट करेंगे और इस बार मैंने की का जो नाम है वो रख दिया बूल, मैंने रख दिया और इस पर जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ट्रू वैल्यू इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद अगर आप चाहे तो इस डॉक्यूमेंट में की क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप नल टाइप का भी जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको कॉमा लगाना है, एंटर दबाइए, दूसरा जो है की का नाम लिखिए जिसका नाम मैंने यहाँ पे एम्प्टी रख दिया। उसके बाद मैंने इस पर नल टाइप का वैल्यू इस तरीके से स्टोर कर दिया।
तो ये कुछ डेटा टाइप है जिनका आप यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि केवल इतने ही जो है डेटा टाइप का यूज MongoDB में नहीं होता है, और भी कुछ डेटा टाइप है जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ जो डेटा टाइप्स है ये आपके फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इस क्वेरी को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ये करने के लिए आप चाहे तो ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करिए या फिर अपने कीबोर्ड पे F5 दबाइए। जैसे ही आप दबाएंगे तो ये देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है, डेटा हमारा जो इंसर्ट हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैसेज आ चुका है आउटपुट में। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्शन के ऊपर जाइए, राइट क्लिक करिए, कनेक्शन पर रिफ्रेश करिए। देखिए डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों ने जो डेटा इंसर्ट किया उसे हम लोग आउटपुट में देखेंगे। ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको DB लिखना है, डॉट लगाना है, कलेक्शन का नाम लिखिए जो कि था यूजर, डॉट लगाइए, फाइंड करके जो इनबिल्ट फंक्शन है आपको उसे कॉल करना है, और फिर हम लोग क्या करेंगे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। वही काम करना है आपको, F5 दबाना है कीबोर्ड पे, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया। और इस तरीके से देखिए आपने जो जो डेटा इंसर्ट किया था आपके सामने यहाँ पे आउटपुट में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में दिखाई देगा, अगर आप इस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपका ट्री के फॉर्म में दिखाई देगा। तो मैंने इस वाले आइकॉन पर क्लिक कर दिया, ट्री के फॉर्म में डेटा आ गया। अब आप जो है आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये डेटा टाइप्स जो कि आप एक डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।